हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवमेंट इन ऑल। कैसे हैं आप सब? अभी दोपहर के 12:30 बज रहे हैं। अभी बाबू का ऑनलाइन क्लास कंप्लीट हुआ और दूध वाले ने दूध दी और मैं आपको दिखाऊंगी। ये बेडरूम आए, यहाँ पर ये तो टॉवल रखा हुआ है, नहाकर सबने रखा है। बेडरूम आकर इधर आप देख रहे हैं, कर्टन वगैरह खिड़की से हटा हुआ है। मैंने सोचा चलो इसको सेट कर देती हूँ। यहाँ पर ग्लास में जो पानी वगैरह रात में रखती हूँ, क्योंकि ये सब काम तो सुबह करने का है, लेकिन सुबह सुबह इतना जल्दी हड़बड़ी में थोड़ा लेट से नींद टूटता है। जल्दी खाना बनाइए, ऑफिस के लिए नाश्ता बनाइए, ये सब चक्कर में लग जाती हूँ। और ये देखिए, थोड़ा सा बेड शीट मैंने हटाया। और इसके पहले मैंने क्या किया था कि दूध किचन में चढ़ाकर मैं आ गई थी और मैंने टाइम सेट नहीं किया था, क्योंकि मैके से आने के बाद इंडक्शन को मैंने अभी खोला है तो मेरे दिमाग से ये निकल गया और मैं यहाँ पर दूध चढ़ाकर वहाँ चली गई बेड शीट हटाने। अभी किचन का काम खाना वाना बन गया है, बेड शीट हटाने गई और मुझे याद आया कहीं दूध गिर ना जाए। और ये देखिए, थोड़ा सा मतलब एक काम से आपका ध्यान हटेगा, मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। देखिए थोड़ा सा मतलब ध्यान हटा, मतलब एक मिनट कहिए या आधा मिनट की देरी कहिए, और ये देखिए सारा दूध इस तरह से मेरा बह रहा है। और वहाँ पर मैंने बेड शीट भी नहीं बिछाया। और ये तो मैंने आपको दिखाया था, ये मसाला पॉट, इसको भी धोना पोछना है। इतना दिन के बाद आई हूँ तो सब कुछ तो एक एक करके साफ करना ही पड़ेगा। और खाना पीना तो हो ही गया है, वो गए 10:30 बजे, वो निकल गए। उनके जाते जाते ऑनलाइन क्लास शुरू हो जाता है। इधर खाना वगैरह बन गया है, जो कुछ बचा हुआ है अभी किचन में हमने नहीं खाया है, एक दो बर्तन है। उसके बाद किचन को साफ करना है, उसके बाद दूसरे काम में लगना था, लेकिन ये काम तो अब बढ़ गया है। अभी बेड शीट भी नहीं बिछाया और काम बढ़ गया। तो आप लोगों में से बताइएगा, आप लोगों में से किस किस के साथ ऐसा हो जाता है? कभी कभी काफ़ी कोशिश रहने के बाद भी इस परेशानी का सामना करना पड़ता है। और जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा और हो सके तो शेयर करिएगा। और इस तरह से मैंने साफ कर लिया है। यहाँ पर आप देखेंगे, कल जो है ये लाए थे चाउमीन नूडल्स लाए थे पैक करवा कर। अच्छा पैकिंग था, मतलब कि ये नहीं आप समझ सकते हैं कि बाहर से ठेला से लाया था, क्योंकि अभी ठेला से लाया गया था, क्योंकि अभी तो वो सब खाने में भी डर लगता है। तो वो काफ़ी तीखा था, बाबू खा नहीं पाया था, तो इसीलिए बाबू के लिए ये रसगुल्ला लाए हैं। तो ये डब्बा वाला ही लाए हैं, जैसा कि आप जान रहे हैं आप लोग सब, खुला खाने में किसी को भी काफ़ी डर लगता है, कोई भी खाना नहीं चाहता है। तो ये डब्बा वाला रसगुल्ला लाए हैं 1 किलो। तो अब मुझे बेड शीट भी अभी बिछाना है। दूध तो गर्म हो गया, गिर भी गया, तो पहले मैं बाबू को दे देती हूँ और उसके बाद फिर मैं अपना जाऊँगी बेडरूम वगैरह ठीक करने। पहले हम लोगों में कोई भी चीज़ भगवान जी के लिए खोला जाता है, भगवान जी को भोग लगाकर। फिर ये तो अभी है नहीं, ये तो ऑफिस गए हैं। अब यहाँ पर मैं ये नहाकर टॉवल वगैरह इसी तरह फेंका रहता है, मैं भी जल्दी जल्दी बाबू को नहला देते हैं। तो मैं पोछने उछने का काम मेरा रहता है, तो हर मैं इसी तरह रख देती हूँ। और कितना भी आप रूम को पैक करके रखिए, आप लोगों में से भी ये भी बताइएगा कि क्या आप लोग भी इस परेशानी का सामना करते हैं। देखते हैं, खिड़की में भी मैं कर्टन लगा के रखती हूँ, उसके बावजूद भी पता नहीं बेड कैसे इतना गंदा हो जाता है। तो उसको भी मैं कॉटन हल्का भिंगा कर ही करती हूँ, क्योंकि अब थोड़ा बेड पुराना हो गया है। हालांकि पानी से इसको दूर रखने के लिए कहा जाता है, लेकिन उसको ऊपर साफ़ करना होता है। और ये बेड शीट के कॉर्नर को मैं गांठ लगा देती हूँ, जिससे कि मेरा बेड शीट पूरी तरह से बिल्कुल बेड शीट में तनाव होता है। और ये जो ड्रेस पहनी हूँ, आप लोग जानते हैं, अब लगभग 1 साल हो जाएंगे, ये काफ़ी कंफर्टेबल है। रात में पहनकर आप नहीं सो सकते हैं, गर्मी लगता है, लेकिन दिन के लिए कंफर्टेबल है। मैंने एक और मंगाया है, जो नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा, पिंक कलर का मंगाई हूँ, शायद आप लोगों ने देखा भी होगा। और यहाँ पर मैंने बेड शीट लगा दिया है, पिलो रख दिया है, और अब विंडो में खोल दूँगी। उधर विंडो खोलने गई थी तो बगल वाली थी, मतलब हम लोग की उम्र की होगी, तो उनसे बातचीत होने लगी थी। उनको पता रहता है, वो जानती हैं कि मैं वीडियो शूट करती हूँ, तो वही कुछ पूछ रही थी। और अब यहाँ पर मैं कर्टन को खींच दूँगी, बाबू को लाकर यहाँ पर मैं सुला दूँगी, रूम पूरी तरह से अंधेरा कर दूँगी, कूलर चला दूँगी। और सामने में भी विंडो है, उसमें भी कर्टन लगा हुआ है, उसको भी मैं खींच दूँगी। जो सामने देख रहे हैं आप, ग्रीन ग्रीन दिख रहा है। इसके बाद इसको सुलाने के बाद ही कोई महत्वपूर्ण काम, यानी कि सुई धागा ये सब का काम मैं करती हूँ। तो ये देखें, इसी तरह से इसका बुक वगैरह सारा चीज़ बिखरा हुआ था। यहीं पर हॉल में क्लास करता है और
मैंने अभी सारा पर्दा धुल दिया है। वहाँ से मायके से आने के बाद मैंने पर्दा वगैरह खोल खोल के धुल दिया है, लेकिन उसको अभी मैंने लगाया नहीं है। मैं सोच रही हूँ चेंजिंग कर दूँ रूम का, हॉल में दे दूँ पर्दा और हॉल का गेस्ट रूम में दे दूँ। तो सारा मैं इसका बुक वगैरह समेट कर रख दूँगी, बेड शीट को चेंज कर दूँगी, क्योंकि अब ये सो गया है तो ये 2 घंटा के बाद ही उठेगा। खाना पीना भी सब कुछ हो गया है, यानी कुल मिलाकर आप ये कहिए सारा काम हो गया है। तो अब जिस तरह की मैं ब्लाउज लगातार बना रही हूँ, तो अभी 4-5 ब्लाउज बनाया है, तो सारा अधूरा बचा हुआ है, क्योंकि उसमें लेस वगैरह का ज़रूरत है। मैं तो शनिवार को जाऊँगी, तो जो साड़ियाँ हैं उसमें फॉल भी लगाना होता है, और ये सब काम मैं खुद करती हूँ। अगर आप लोग पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो आप लोगों को पता होगा, और जो नए हैं वो अगर आज जुड़े हैं कल जुड़े हैं तो वो भी धीरे धीरे देख लीजिएगा। ये सारा काम मैं खुद करती हूँ, मुझे हर काम में इंटरेस्ट होता है, इसीलिए मैं अपने चैनल का नाम मैंने अचीवमेंट इन ऑल रखा है। तो ये साड़ी में मैंने साड़ी के फॉल में मैंने प्रेस कर लिया, और इसको अभी ही बैठकर लगा लूँगी, और इसके साथ ही मैं टीवी भी देखती हूँ। मैंने बताया था मेसो से साड़ी मंगवाया है, ये वाली साड़ी थी, तो मैंने इसको रिटर्निंग में डाला हुआ था। ये जो ऑरेंज थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ, ये देखेंगे ये वाली साड़ी ऑरेंज वाली, तो रिटर्निंग के लिए मैंने ऑर्डर डाला था, वो आ गए हैं नीचे लेने के लिए। अब मैं जा रही हूँ रिटर्निंग में इसको देने के लिए। बैकग्राउंड का सीन देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बगल में कुछ काम चल रहा है इसीलिए हमेशा आवाज़ होते रहता है। और अभी मैं ग्रिल के अंदर इन करूँगी, देखिए बैकग्राउंड कितना सुंदर, आसमान ताज़ा स्वच्छ है। और अभी दोपहर का समय है, 12-1 बज रहा है जैसा कि आप जान रहे हैं। बोला है 24 घंटे में आपका रिफ़ंड हो जाएगा, वो पूछें रिप्लेसमेंट करना है, बोले मैंने कहा नहीं मुझे रिफ़ंड ही करना है। और इस तरह से मैंने कंप्लीट कर लिया है फॉल, ये देखेंगे इस तरह से मैं फॉल सोफ़ा पर बैठकर लगा रही थी, इस तरह पिन अप करके लगाती हूँ, और ये लास्ट बचा हुआ है। मैंने नहीं सोचा था कि आज ये कंप्लीट हो पाएगा। इसको सुलाने के बाद आपने देखा मैंने और भी कई काम निपटाए छोटे बड़े, उसके बाद इसको लेकर बैठी, और लगभग ये जो है नीचे वाला जो आप देख रहे हैं ये भी मैंने हाथ से ही इसको कंप्लीट किया है, ये भी हाथ से ही कंप्लीट किया है। ये आप पिंक देख रहे होंगे, ये पिंक आप देख रहे हैं, और ये इस तरह से ऊपर। और डिपेंड करता है आपका साड़ी किस तरह का है, कुछ साड़ियाँ ऐसी होती है कि ज़्यादा परेशानी का आपको सामना करना नहीं पड़ता है। तो ये आप देख रहे हैं नीचे भी मैंने हाथ से ही किया था, और बिल्कुल पता नहीं चला ये फॉल, चूँकि ग्रीन है तो पिंक धागा आपको दिख रहा है, लेकिन ये इधर पिंक ही है तो यहाँ इधर पता नहीं चल रहा है। और सिंगल धागा से किया है, इस तरह से पूरा कम्प्लीट हो गया है, बस इतना आप बचा है और ये पूरा कंप्लीट हो गया। तो डिपेंड साड़ी के कपड़े पर भी करता है कि किस तरह का आपका कपड़ा है। तो इतना कंप्लीट करूँगी, और लगभग 5 बज गया है, बाबू भी सोकर उठ गया है, तो कई काम फिर से एक साथ हो गए। सबसे पहले मैं एक रसगुल्ला खा लूँगी या और भी कुछ करके चाय पहले पी लेती हूँ, फिर इसको इस प्रोसेस को कम्प्लीट करके अगले काम में लगूँगी। अब यहाँ शाम के 7 बज रहे हैं, बाबू कब ही सो के उठ गया था, 5:15 बजे के आसपास खाना पीना उसने खाया, खेला कुछ गेम वगैरह खेला, अब वो बैठा है पढ़ने के लिए। मैंने लाइट ऑन कर दिया है क्योंकि मैंने भी शाम का जो काम था मतलब कि झाड़ू और बर्तन ये दोनों काम मैंने कर लिया है। अब मैं क्या कर रही हूँ, तो मुझे लगा कि मैं अब इसके सामने में आप बच्चे पर भी ध्यान देना है। आप देखिए नारी को तो कई रूपों में सामने आना पड़ता है। मैं आप देखिए एक ही क्लिप में मैं आपको कितना कुछ दिखा रही हूँ, तो मैंने सोचा इसकी वो तो बैठा कर ही पढ़ाना पड़ेगा। तो साड़ी का तो फॉल वाला काम कंप्लीट हो गया था, साइड में जो बचा था उसको मैंने तुरपाई किया, और जो साइड में मशीन चलाकर करती हूँ मैंने सोचा चलो हाथ से ही कर देती हूँ, फिर थोड़ा सा सिलाई के लिए मशीन का धागा चेंज करिए ये करिए तो बहुत परेशानी हो जाती है, तो मैंने सोचा इसको पढ़ा भी लूँगी, और आज इसके साइड वाला भी काम को कंप्लीट कर ही दूँगी। आंचल की तरफ तो नहीं करना होता है, तुरपाई नहीं करूँगी क्योंकि इसमें लगा हुआ है। अभी मैं फोल्ड करते समय आपको पूरा साड़ी दिखाऊँगी, आंचल में अच्छे से लरी लगा हुआ है, और यहाँ पर मैं बाबू को बता भी रही हूँ कंप्लीट करने के लिए होमवर्क वगैरह जो भी मिला है, क्योंकि बच्चे भी आजकल हम ऑनलाइन क्लास कर करके पक गए हैं तो उसको तो आपको समय देना ही होगा। और यहाँ पर मैंने साड़ी वाला काम कंप्लीट कर लिया, और ये देखिए कितनी खूबसूरत साड़ी है,
पता नहीं आप लोगों को वीडियो में कैसा लग रहा है, लेकिन जब मैं अपना साड़ी कलेक्शन लेकर आऊँगी तो आप लोगों को सारा साड़ी दिखाऊँगी। इसकी आँचल भी खूब काफ़ी सुंदर है इसका आँचल, और इसी के आँचल की तरह ब्लाउज है, और इसी के आँचल की तरह मैंने फॉल लगाया। तो ये सारे काम मैंने निपटाए हैं। अब बाबू का प्रणाम भी बंद हो जाएगा और साड़ी रख कर फिर मैं शाम के खाना में लग जाऊँगी। और इसके साथ ही आज का ब्लॉग भी कंप्लीट और आज का दिन भी कंप्लीट। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले ब्लॉग में। बने रहिए इस चैनल के साथ। बाय बाय डियर, बाय बाय, लव यू।